एक न्यूज़पेपर ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज के ऊपर शक जाहिर किया है, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। हाल ही में रशिया और इंडिया ने $5.43 बिलियन की डील साइन की थी, जिसमें S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स इंडिया को डिलीवर की जानी हैं। इंडिया के एक न्यूज़ आउटलेट टाइम्स नाउ ने लिखते हुए कहा कि रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अभी भी इसे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टेस्ट नहीं किया गया है। आउटलेट के मुताबिक, हालांकि ये फॉर्मिडेबल वेपन बहुत तरीके की टेक्निकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी S-400 को एक रियल वॉर सिचुएशन में टेस्ट नहीं किया गया है। आउटलेट ने पॉइंट आउट किया है कि हालांकि रशिया के पास इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को शो ऑफ करने का मौका था, जब इस मिसाइल सिस्टम को सीरिया में डिप्लॉय किया गया था। उनका कहना था कि रशिया इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को US की टोमाहॉक मिसाइल के अगेंस्ट यूज कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2018 में और US, UK और फ्रांस ने सीरिया के ऊपर सरप्राइज मिसाइल अटैक किया था, जिसमें उन्होंने वॉरशिप लॉन्च टोमाहॉक मिसाइल्स और एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज किया था। इस दौरान सीरिया को रशिया का सपोर्ट था। सीरिया के पास रशिया के द्वारा सप्लाई की गई S-200 मिसाइल सिस्टम थी, जो कि एक आउटडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया था कि लॉन्च की गई 103 मिसाइल में से 71 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। लेकिन S-400 मिसाइल सिस्टम को रशियन एयरबेस के ऊपर ही स्टेशन किया गया और उसे कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे पहले रशिया की मिलिट्री ने यह क्लियर कर दिया था कि वो इस मिसाइल सिस्टम को रशियन मिलिट्री पर्सनल को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अनटेस्टेड स्टेटस के बावजूद टाइम्स नाउ ने S-400 के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को भी पॉइंट आउट किया, जिसमें उन्होंने इसकी मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को भी शामिल किया है, जिससे कि इस सिस्टम में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तीनों को फिट किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी हाई मोबिलिटी और क्विक डिप्लॉयमेंट टाइम को भी पॉइंट आउट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्राइस टैग फ्रेंच और US मेड अल्टरनेटिव से बहुत कम है। इसके साथ ही आउटलेट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि S-400 मिसाइल सिस्टम 40N6 मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये मिसाइल इसे इसके कंप्यूटर सिस्टम से अलग खड़ा करती है, क्योंकि US का पेटेंट PAC-3MS मिसाइल केवल 100 किलोमीटर या उससे कम डिस्टेंस पर ही टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, लेकिन S-400 की 4N6 मिसाइल 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक भी टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। S-400 अभी तक रशिया के पास मौजूद सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया के अलावा इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेलारूस, चाइना और टर्की डिप्लॉय करता है। इसके साथ ही इंडिया को भी S-400 डिफेंस सिस्टम अगले 2 से 3 सालों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।